दोस्तों पेटीएम फॉर बिजनेस एप्लीकेशन पे एक नोटिफिकेशन बार बार शो कर रहा है मैं पेटीएम फॉर बिजनेस एप्लीकेशन को ओपन कर लिया ओपन करते ही मिडिल पर देखिए लिखा है इनके ऊपर क्लिक कर दिया क्लिक होते ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर देखिए बोला गया दिस सेटलमेंट अकाउंट इज ब्लॉकेड एज पर आर बी आई गाइडलाइन टली दोस्तों Business फॉर पे, पे जो सेटलमेंट अकाउंट था वो अकाउंट आर बी आई के गाइडलाइंस के हिसाब से वो अकाउंट फिलहाल ब्लॉकेट हो गया इसीलिए इमीडिएटली अकाउंट को चेंज करने के लिए बोल रहा है जैसे ये पेटीएम फॉर बिजनेस एप्लीकेशन पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट से लिंक है यहाँ पर देखिए पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट जो पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट की जो सेविंग अकाउंट सिस्टम है सेविंग अकाउंट की जो फीचर्स है वो फिलहाल बंद हो चुका है इसलिए चेंज करने के लिए बोल रहा है तो यहाँ पर आप किसी भी बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हो तो यहाँ पर देखिए बोला गया एट न्यू बैंक अकाउंट यहाँ पर बैंक अकाउंट एड करके मैं आपके सामने ही ये प्रॉब्लम को सोल्व करके दिखा रहा हूँ तो यहाँ पर देखिये एट न्यू बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक करते ही सबसे पहले यहाँ पर बोला गया बैंक अकाउंट नंबर उसके बाद री एंटर बैंक अकाउंट नंबर आई एफ एस सी कोड तो यहाँ पर आप किसी भी बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हो मैं यहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट लिंक करने वाला हूँ तो यहाँ पर बोला किया न्यू बैंक अकाउंट जो फिलहाल बंद है तो सबसे पहले बैंक अकाउंट को इनपुट करना होगा तो चलिए मैं बैंक अकाउंट को यहाँ पर इनपुट कर दिया जैसे यहाँ पर देखिए एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट उसके बाद री एंटर बैंक अकाउंट और उसके बाद यहाँ पर देखिए आई एफ एस सी कोड जो आपकी एयरटेल थैंक्स ऐप पे देखने को मिल जाएगा अगर आपका आई कोड पता नहीं तो आप फाइन आई कोड पे क्लिक करके आई कोड को ऐड कर सकते हो और उसके बाद यहाँ पर देखिए ऐड ए न्यू बैंक अकाउंट जो हाईलाइट हो गया आप यहाँ पर देखिए ऐड ए न्यू बैंक अकाउंट इनके ऊपर क्लिक कर दिया क्लिक होते ही आपको वेट करना होगा क्योंकि आप जिस नंबर से आप एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट क्रिएट किया है उसी मोबाइल नंबर पे ओ आएगा तो देखिए ओ टी वेरीफाई हो चुका है वेरीफाई होते ही ऑटोमेटिक ये प्रोसेस लेगा आपको प्रोसेस होने तक थोड़ा वेट करना होगा ऊपर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर देखिए मेरा एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट सक्सेसफुली हो चुका अब नीचे देखिए मेरा बैंक सेटलमेंट टाइम सक्सेसफुल सेट दस ए एम से लेके दोपहर एक पी एम से लेके सात पी एम तक मेरा पैसा अपना सेविंग अकाउंट पे सेटल हो जाएगा आप चाहो तो चेंज के ऊपर क्लिक करके टाइम को चेंज कर सकते हो तो इसी तरह से आप पेटीएम फॉर बिजनेस एप्लीकेशन पे किसी भी बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हो थैंक्स फॉर वॉचिंग